हेलो फ्रेंड, मैं हूँ रेनू। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज का ये ब्लॉग आप पूरा देखना, स्किप बिल्कुल नहीं करना, बहुत ही मज़ा आने वाला है। और मैं अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन के घंटे प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे। और इस वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करना कि आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो। आपका एक लाइक और एक कमेंट हमारे लिए बहुत ही मोटिवेशन रहता है, ताकि हम आगे और भी अच्छे अच्छे वीडियो बना सकें। तो आप लोग प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। तभी हो रहे हैं सुबह के टाइम, तो सब उठ गए हैं। तो मैं यहाँ पे बिस्तरे को सेट कर रही हूँ अच्छे से, इसको बेडशीट को अच्छे से इसमें बिछा दूँगी। तो फिर इसके बाद हम नहाने जाएंगे। तो इसको हम अच्छे से साफ करके इसको इस तरीके से इसको बहुत अच्छे से बिछाना पड़ता, नहीं तो ये फिर से बैठो तो सिकुड़ जाता है, मतलब निकल जाता है। तो कैसे मेरा ये जो बेड है ना, दीवार से चिपका हुआ है, तो बहुत अच्छे से मैं इसको अकेले नहीं कर पाती हूँ। तो फिलहाल अभी मैं अकेले ही कर रही हूँ। बेडशीट बिछा के हो गया है, तो मैं इसे अब नहा धो ली हूँ। मैं अब यहाँ पे नाश्ता बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो आज मैं नाश्ते में पोहा बनाऊँगी। तो मैंने यहाँ पे तेल डाला है, मैंने मीठा तेल यूज करती हूँ पोहा बनाने में। तो तेल को यहाँ पे होने देते हैं गरम। अब इसमें हम डाल देते हैं सेंगदाना। सेंगदाने को हम अच्छे से भून लेंगे। सेंगदाना हमारा देखिए हो गया है। अब इसको हम तेल से निकाल लेंगे। फिर इसके बाद हम इसमें राई डालेंगे। राई को अच्छे से फूटने देंगे, क्योंकि अगर ये फूटेगा नहीं तो कच्चा रहेगा, खाने में ऐसे कच्चापन लगता है। अब इसमें हम सौंफ डाल दे रहे हैं। सौंफ जो है पोहा में डालो तो बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, इसका टेस्ट दुगना हो जाता है। तो हमारा उधड़कने लगा है, तो अब हम इसमें सौंफ डाल देंगे। इसके बाद हम मिर्ची डालेंगे। अब इसमें हम प्याज को भी डाल दे रहे हैं। प्याज को हम बहुत ज़्यादा पतला नहीं किए हैं, मोटा मोटा हल्का सा मैंने मोटा कट किया है, ताकि ये खाने में थोड़ा सा मीठापन आता है। और इसमें हमने कड़ी पत्ता भी डाल दिया है। अब इसको अच्छे से हम फ्राई करेंगे हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक। बहुत ज़्यादा मैं प्याज को नहीं पकाती हूँ। अब एक साइड में चाय भी रख दे रही हूँ पक जाए, क्योंकि हमें पोहे के साथ चाय बहुत ही अच्छा लगता है, हमें चाय के साथ पोहा बहुत ही अच्छा लगता है। तो अगर फ्रेंड आपको किस किस को पोहा के साथ चाय बहुत अच्छा लगता है, उसे प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको चाय के साथ पोहा अच्छा लगता है। और अब मैं एक साइड चाय पत्ती भी डाल दी हूँ, शक्कर डाल दी हूँ। अब यहाँ पे इस साइड में फ्राई कर रही हूँ इसको। अब इधर मेरा हल्का गोल्डन ब्राउन हो गया है। ये देखिए, मैं बहुत ज़्यादा इसको नहीं पकाती हूँ, तो मैं थोड़ा सा ही पकाती हूँ। अब इसमें हम थोड़ा सा हल्दी डाल देंगे। इसके बाद हम पोहा को यहाँ पे डालेंगे। तो पोहा को हमने साफ पानी से धो दिया था, इसको हम बहुत टाइम नहीं भिगा के रखते हैं, इसको छन्नी में भिगा के रखते हैं ताकि इसके पानी अच्छे से निकल जाए। और इसमें हमने नमक को भी ऐड कर दिया है।
क्योंकि पोहा बहुत पतला होता है तो इसको पानी में भिगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, नहीं तो ये पोहा एकदम गल जाएगा तो खाने में टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। अब इसमें हम एक नींबू का रस निचोड़ देंगे। इसको अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए हमारा पोहा एकदम खिला खिला है। तब हम मेरा पोहा उधर फ्राई हो गया है तो मैं यहाँ पे कपड़े को धोने के लिए लगा दी थी, तो अब ये सूख कर धोकर अच्छे से सूख गया है, तो अब इसे निकाल कर हम बाहर इसको फैला देंगे सूखने के लिए। तब यहाँ पे हम सारे कपड़े को फैला देंगे। को ना एक कटोरी में निकाल कर रख दी थी ठंडा होने के लिए। अब इसको हम अपने मिट्ठू को जाके देंगे खाने के लिए। मिट्ठू जी, मिट्ठू खाओ खाओ करेगा हाँ? तो मिट्ठू रेडी हो गया, ले मिट्ठू खा लो। मिट्ठू 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 खा लो, गुस्सा हो क्या मिट्टू? हाँ मिट्टू, मेरा मिट्टू गुस्सा है क्या? खा लो मिट्टू, मिट्टू खा लो, मिट्टू खा लो। मिट्टू क्या खा रहा है? मिट्टू पोहा खा रहा है। अच्छा लग रहा है मिट्टू? पोहा अच्छा लग रहा है हाँ मिट्टू? खा लो। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, अरे वाह पकड़ लिया मैंने श्रेयांश, अभी क्या करेगा? हाँ वापस पकड़ो, वापस पकड़ो। अरे 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 गया 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 गया। बलून कहाँ लगा श्रेयांश? फैन में ना, ले लो अपना बलून, ले लो ले लो ले लो, आपके पास आ गया। यस गुड बॉय, यस अभी चलो पियानो। वन टू नहीं आराम से, हाँ पापा, यस गुड बॉय गुड बॉय। पियानो बजाओ श्रेयांश। वाओ, तो यहाँ पे मेरा दोपहर को मैं अपने बेटे को नहला उला के यहाँ पे थोड़ा सा उसके साथ खेलती हूँ, फिर उसके बाद फिर हम सो जाते हैं दोपहर में। अब शाम हो गया है, करीबन 6 बज रहा है, तो मैं यहाँ पे गार्डन आए हैं अपने बेटे को लेकर। तो यहाँ पे वो गार्डन में बहुत ही उसको मज़ा आता है, तो मैंने यहाँ गार्डन में बहुत दिन बाद आई हूँ। मैं और मेरे हस्बैंड बच्चे को लेकर आए हैं, तो ये देखिए इंजॉय कैसे कर रहा है वो गार्डन में ये। उसको इतना मज़ा आ रहा था कि वो बोल रहा था कि मुझे और झूलना है और खेलना है, वो यहाँ से जाने के लिए तैयारी नहीं हो रहा था। और फिर पूरे गार्डन में इसको झुलाते झुलाते मेरा रात हो गया, करीब 7:30 बज गया। फिर उसके बाद हमें डीमार्ट जाना था, सामान भी लेना था, तो मैंने सारी वीडियो नहीं ले पाई सारी चीज़ सारे जगह का। मैं से जितना हो सका मैंने उतना वीडियो क्लिप किया।
अंधेरा हो गया है। देखिए तो हमारी बेटी को यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा था, उसको गार्डन से बोला था नहीं मुझे और झूलना है और झूलना है, तो रात से शाम हो गया, मुझे जाना था बाहर भी जाना था, सामान देना था, जो कि सारी वीडियो क्लिप नहीं कर पाए। तो चलिए अब वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।